Dear students, welcome to mechanical third year, and we are in the subjects of our sharp practice 3, MAC 354, in which we are studying today and discussing about the safety on the milling machine. के मिलिंग मशीन के ऊपर हिफाजत के साथ कैसे काम किया जाए, उसके लिए जो बंदा काम कर रहा है, the person who works on the milling machine must be intelligent, वो ज़हीन बंदा होना चाहिए, उसके पास मिलिंग मशीन का इलम होना चाहिए और वो मिलिंग मशीन के बारे में जानता हो, मिलिंग मशीन के ऊपर काम करना जानता हो, तब जाके वो मिलिंग मशीन्स के रूल्स को फॉलो करेगा और उसके ऊपर सही तरीके से काम करेगा। इसमें से सबसे पहले कि जो वर्क पीस आप बराहरास टेबल के ऊपर बांध रहे हैं, शिकंजे में वाइसेस में बांध रहे हैं या फिक्स्चर्स के ऊपर बांध रहे हैं, उसको सही कसना होता है। अगर सही नहीं कसेंगे तो कटर की पावर ताकत की वजह से जाब अपनी जगह पर हिलेगी, जिसकी वजह से जाब की सतह जिस पर मेजरमेंट की हुई होती है वो अपनी मेजरमेंट से हट जाएगी और वो जो ड्राइंग के मुताबिक हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। अगर आप गिरारी काटना चाहते हैं और दंतानों के बीच में से स्पेस बढ़ गई या डेप्थ ज़्यादा हो गई तो वो दंताने आप इसमें सही तरीके से काम नहीं करेंगे, पावर मुंतकिल नहीं करेंगे और ख़राबी पैदा होगी। इसलिए सबसे पहली जो शर्त है कि वर्कपीस को मजबूती के साथ जो है आपने शिकंजे में वाइस में फिक्स्चर में या बराहरास मशीन मिलिंग मशीन टेबल के ऊपर टी बोल्ट्स की मदद से कसना होता है। इसके बाद जो दूसरी बात है कि जिस वक्त मिलिंग मशीन की स्पिंडल चल रही होती है, घूम रही होती है, कटर चल रहा होता है, उस दौरान जो है रफ्तार को तब्दील करने की कोशिश ना की जाए। ऐसे करने से जो है गिरालिया जो गेयर्स आपस में मैश होते हैं, जो स्पीड को आगे मुंतकिल करते हैं वो टूटने का खतरा होता है, और जब वो टूट जाएगी तो फिर जो है मशीन काम करना चोट पेटेगी। लिहाजा जिस दौरान स्पिंडल चल रही हो उस दौरान कोशिश करें कि स्पिंडल के चलने के दौरान उसकी जो स्पीड है, जो रफ्तार है, उसको तेज या कम करने की कोशिश ना की जाए। इसके बाद जो है जो तीसरी बात है, जिस वक्त आप आर्मर यार्क को लगा रहे होते हैं उस वक्त आर्मर यार्क लगाने के दौरान अपनी इन उंगलियों को, जिस वक्त आप फिट कर रहे हो बड़ी उंगली को छोटी उंगली को सबको जो है वो दूर रखे। ऐसा ना हो कि आर्मर और आर्मर यार्क के बीच में से आपकी उंगलियां जख्मी हो जाए, कट जाए। उससे बचने के लिए, क्योंकि उसके खाशिए जो इंचज होते हैं, जो हार्ड एंड स्टील के बने होते हैं, तेज होते हैं, इस दौरान अगर आप फिट करेंगे आपकी उंगली उसमें फंस भी सकती है और कट भी सकती है। लिहाजा इस दौरान आर्मर यार्क को लगाते वक्त अपनी तमाम उंगलियां उन सुराखों में से दूर रखी जाए और आर्मर यार्क को फिट किया जाए। नंबर तीसरी बात, चौथी बात, इस बात का यकीन कर लेना कि जो कटर है वो कटर के और वर्कपीस के दरमियान में फासला होना चाहिए। जिस वक्त आप कटर को एडजस्ट कर रहे
दरमियान में कुछ ना कुछ डिस्टेंस फासला मौजूद है। उसके बाद आर्बर के नट को काम के दौरान कसने की कोशिश ना किए जाए। जो आर्बर नट होते हैं, जो आर्बर यार के साथ फिट होते हैं, काम के दौरान उसको कसने की कोशिश ना की जाए। अगर आप उसको कसेंगे तो आर्बर जो है खुदा ना खास्ता अगर लूज हो जाए तो आर्बर यार से उसके निकलने का और ज़्यादा दबाव की वजह से, अपनी जगह छोड़ने की वजह से वर्क पीस की सतह खराब होगी, कटर टूट जाएंगे और स्पिंडल और आर्बर को भी नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा काम के दौरान कोशिश करे कि आर्बर या के नट को कसने की कोले की कोशिश ना की जाए। इसके बाद जिस वक्त आप बारी भरकम अटैचमेंट्स अकेले उठाने की कोशिश ना करें, जिस वक्त अटैचमेंट्स जैसे डिवाइडिंग हेड हो गया और टर्निंग हेड हो गई, जैसे टर्निंग टेबल हो गई, स्लॉटिंग हेड्स हो गए, इनको अकेले उठाने की कोशिश ना करें मशीन पर लाने की, मशीन से दूर ले जाने की, बल्कि क्रेन लगे होंगे, क्रेन की मदद से अटैचमेंट्स को उठाकर टेबल की सतह पर आराम के साथ तसल्ली के साथ रख ले और तसल्ली के साथ टेबल की सतह से उठाकर साइड बेंच पर क्रेन की मदद से रख ले। इसमें जल्दी की कोशिश ना करे, तहम्मुल से सब्र से काम करे, इस्तेकामत से काम करे। इस दौरान खुदा ना खास्ता अगर आप इसको सही तरीके से हैंडल करके उठाएंगे नहीं, सही तरीके से हैंडल करके रखेंगे नहीं, तो इसके नीचे गिरने का खतरा है, इसको भी नुकसान पहुंचेगा और खुदा ना खास्ता आपके जिस्म को भी नुकसान पहुंचेगा, आपके पाँव के उंगलियों को भी नुकसान पहुंच सकता है, जख्मी होने का खतरा ज़्यादा है। लिहाजा इस दौरान कोशिश करें कि जो अटैचमेंट्स हैं वो अटैचमेंट्स खुद से अकेले अपने हाथ से ना उठाएं, बल्कि क्रेन की मदद से उसको उठाने की कोशिश कर कीजिए। अगली जो हमारे पास बात है कि सेफ्टी गार्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पर सेफ्टी गार्ड्स की ज़रूरत है वहाँ पर सेफ्टी गार्ड ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि हमारे सबसे पहले इंसानियत है, इंसान को बचाना है और उसको आंखों की हिफाजत, हाथों की हिफाजत, पाँव की हिफाजत, जिस्म की हिफाजत, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चाहिए कि हम खुद भी सेफ्टी के लिहाज से मुकम्मल तौर पर महफूज हों और मशीन के ऊपर जहाँ जहाँ सेफ्टी गार्ड्स की ज़रूरत हो वहाँ वहाँ पर सेफ्टी गार्ड्स का होना भी ज़रूरी है। अच्छा जी, एक और इसके बाद एक और सेफ्टी ये है कि जिस वक्त कटर चल रहा हो उस वक्त मशीन के ऊपर झुकने की कोशिश ना कीजिए, उस दौरान किसी किस्म की मेजरमेंट्स लेने की कोशिश ना कीजिए। खुदा ना खास्ता चलते हुए कटर के साथ आपका सर जख्मी हो सकता है, आपके हाथ कट सकते हैं। इसलिए मेहरबानी होगी कि जिस वक्त कटर चल रहा हो उस दौरान आप लोग जो है किसी किस्म की मेजरमेंट्स लेने की कोशिश ना करें, कटर के ऊपर झुकने की कोशिश ना करें। इस वक्त जिस वक्त आप एंड मिल या फेस मिलिंग कटर्स लगा रहे होते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर, तो उस दौरान कोशिश करें कि आप लोग जो है कटर्स के नीचे कोई मोटा कपड़ा या कोई तख्ता या एस्बेस्टास शीट रख ले, ताकि कटर के जो एजेस हैं, जो कटाई के एजेस हैं, वो खुदा ना खास्ता जो है टेबल के ऊपर बराए रास्त टकराने से टेबल के एज को भी खतरा है, टूटने का खतरा है और कटिंग एज को भी टूटने का खतरा है। लिहाजा इसके अंदर क्या ज़रूरी है कि ऐसे कटरों को खोलते हुए और कसते हुए इसके नीचे लकड़ी का कोई तख्ता वगैरह ज़रूर रखा जाए, ताकि खुदा ना खास्ता हाथ से चूट भी जाए तो वो टूटने ना पाए। और इसके साथ साथ मिलिंग मशीन की
सतह के ऊपर टेबल के अंदर जो है स्लॉट बनी होती है, उन स्लॉटों को सही तरीके से कीबोर्ड्स लगाने से पहले मुकम्मल तौर पर उनको साफ कर दे, बुरादा निकाल दे, और बुरादे को हाथ में लेने की कोशिश ना की जाए, बल्कि सेफ्टी गागल, सेफ्टी जो आपने दस्ताने ग्लव्स पहने हैं उसकी मदद से उसकी सतह को, उसके बुरादे को निकाला जाए, ये कोशिश ज़रूरी है। उम्मीद है तलबा आज के लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी सेफ्टी ऑन द मिलिंग मशीन, के मिलिंग मशीन के ऊपर कैसे हिफाजत के साथ काम किया जाए, कैसे हिफाजत के साथ उनके सारे सिस्टम को चलाया जाए। इसके लिए भाई ये नोट्स आप अपने कापियों पर ज़रूर लिखें और नोटबुकें तैयार करें, जो ही आप आएंगे कॉलेज में आपके नोटबुक को चेक किया जाएगा। उम्मीद है तुलबा आज आपको समझ आ चुकी होगी इस लेक्चर की। आइंदा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ये था लेक्चर नंबर 7। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।